भाई आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, किसी भी तरह का आपको पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो या और भी किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, तो आप किसी क्लोज आदमी के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ या कोई क्लोज रिलेटिव है, इस बात को शेयर जरूर करो। शेयर करने से क्या होगा कि आपकी ये दिक्कतों का सामना करने का आपको उपाय नज़र आएगा कि ऐसे करो तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। चाहे उनसे मिलो, या कोई आपको बीमारी ही है, या कोई किसी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, आप किसी से शेयर करो, वो आपको आगे का उपाय नजर आएगा कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं, उस प्रॉब्लम से। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है उनको, तो वो मन ही मन उस प्रॉब्लम में धंसते चले जाते, किसी से शेयर नहीं कर पाते। किसी से शेयर करने से क्या होगा कि आप उस प्रॉब्लम से उभर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। दो दिमाग, तीन दिमाग, पांच दिमाग मिलके उस प्रॉब्लम से, आप ऐसे करो वैसे करो, आपको दो चार पांच आदमी दिमाग देगा कि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसे करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अपने अंदर वो बात मत रखो। अगर आप बाइक कहीं प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम फंसे हुए हो, तो किसी से पूछने में कोई हर्जा नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करनी है कि भाई मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो कैसे बाहर आऊँगा उससे, ये मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, पूछने से कोई छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। बहुत से लोग पूछते नहीं हैं, बस प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उस कारण उनको और दिक्कत का सामना करना पड़ता है धीरे 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 धीरे, और वो प्रॉब्लम में धंसते चले जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार मैं पिछले दुर्गा पूजा के आसपास, दुर्गा पूजा में ही मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था। तो प्रॉब्लम क्या हो गया था, मेरे दोनों पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि बहुत जगह दवा वगैरह कराए, 5-6 दिन वो ठीक नहीं हुआ। तो हमारे एक कस्टमर हैं, दोस्त ही हैं, वो आए थे मेरे घर। तो क्या प्रॉब्लम है दीपक, तुम दुकान नहीं आ रहा 4-5 दिन से? हमने देखो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मैं बाइक भी नहीं चला पा रहा हूँ, चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक दवा मिलता है यहाँ पर, बोलो तो हम मंगा देते हैं, उससे तुम्हारा ठीक हो सकता है। हमने यार 5-6 जगह तो हम कराए इलाज से ठीक ही नहीं हुआ, तुम्हारा वो दवा से कैसे ठीक हो जाएगा? बोले यार हम अपने तरफ से तुमको दवा दे रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा है, अगर नहीं ठीक हुआ तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ठीक होगा तब तुम पैसा दे देना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा के बाद, लेकिन तुम वो दवा खाओ। तो हमने चलो भाई उतना दवा खा लिए तो एक दवा और सही। उन्होंने मुझे दोपहर 12 बजे दवा ला के दिया, बुधवार को दोपहर में मैंने खाया, शाम तक मेरा 50% ठीक हो गया। और 50% ठीक होने के बाद शाम को मैं मेला भी घूमने चला गया दूसरे दिन, और बाकी दवा खाया तो मेरा पूरा 10 दिन के अंदर पूरा 100% ठीक हो गया, मैं दुकान भी जाने लगा। तो भाई बात किसी से शेयर करने से ही होती है भाई, वहाँ जाओ वो डॉक्टर अच्छा है, वहाँ जाओ वो डॉक्टर से अच्छा है, शेयर करने से ज़्यादा बेटर रहता है। आप शेयर करोगे अपनी प्रॉब्लम को दूसरे के साथ, तो वो आपको उसका समस्या का हल बताएगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था या मेरा एक दोस्त के साथ हुआ था, मैं उससे पूछता हूँ। तो ऐसा बात है, अभी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी की वही प्रॉब्लम है, पैर वगैरह प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछे कि भाई ठो ऐसा ऐसा बात है, ठीक नहीं हो रहा। तो हमने भी उन्हें कहा कि वो दवा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, हमारा ठीक हुआ। कई लोगों को भी मैंने दिया है, तो अभी मैं ला कर रखा हूँ दवा, यहाँ पर रखा हूँ, कल आएंगे लेने के लिए, आज ही आने वाले थे, बारिश के कारण नहीं आ पाए, कल आएंगे लेने के लिए। और कल, आज तो मैं दुकान गया नहीं क्योंकि आज ही मेरा थोड़ा बुखार आ गया था, फीवर हो गया था, तो मैं दुकान नहीं गया आज। कल क्या हुआ था, कल एक मेरे दुकान के 1.5 किलोमीटर आगे एक बुलेट बंद हो गई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया। तो हमने कह दिया कि भाई मेरे पास काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आओगे, बोले हम तो आपको जानते भी नहीं, मैं अनजान लोगों को काम करने लगा तो हो गया। तो फिर उनके कोई दोस्त थे मेरे दुकान के पास के, वो फिर आए हमको बोले, फिर हम गए तो वो हमको बोलने लगे कि आप ऐसे आएंगे नहीं। हमले मेरा बिना जान पहचान के मैं कैसे अनजान जगह चले जाऊं गाड़ी बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है, आप हमारे कस्टमर तो है नहीं। उनका न्यू बुलेट था, करीब 1-1.5 महीना का था, स्टार्टिंग बंद हो गया था, करंट नहीं आता, वायर कट गया था इसका। तो फिर मैंने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद मैं चला आया। तो वो सोच रहे होंगे कि वो आया नहीं, लेकिन मैं अनजान लोगों का बाइक अगर रास्ते में ख़राब हो तो मैं नहीं जाता। अगर हमारे कस्टमर हैं
या हमारे कस्टमर के रिलेटिव है, फ्रेंड है, वो कॉल करेंगे कि भाई मेरा फलना आदमी का गाड़ी खराब हो गया रास्ते में, तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन ऐसे अनजान कोई व्यक्ति कॉल करे और हमें कहे कि मेरे यहाँ गाड़ी खराब हो गया, तो मैं नहीं जाता। अब कस्टमर को बुरा लगे या भला लगे उससे मतलब नहीं है हमको। मेरे दुकान में इसी तरह दिन भर काम रहता है, मैं दुकान छोड़कर नहीं जा पाता हूँ। लेकिन जो क्लोज कस्टमर है, जो हमारे परमानेंट कस्टमर है, उनके लिए जाना पड़ता है। दुकान में काम है फिर भी छोड़कर भी जाना पड़ता है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम फंसे हुए तो जाना जरूरी है। तो बस यही तो चल रहा है। आज तो हम दुकान भी नहीं जा पाए, कल जाता हूँ। आज तो मैं मोबाइल साइलेंट करके घर में था, शाम को देखा तो 80-82 मिस कॉल थे। देखता हूँ कल। तो मैं आज मैंने आपसे कहा कि किसी भी बात का शेयरिंग जरूर करें। आप किसी भी तरह का प्रॉब्लम में फंसे हो शेयर जरूर करें। एक हमारे कस्टमर है, उन्होंने बाइक ली थी बजाज पल्सर, उनका 2 इंस्टॉलमेंट फेल हो गया। उन्होंने कहा मेरा इंस्टॉलमेंट फेल हो गया है, क्या करूँ। कल हमसे पूछा कि इंस्टॉलमेंट में अगला मंथ इंस्टॉलमेंट जमा करूँगा, कहीं गाड़ी तो खींच के नहीं ले जाएगा, तो कोई उपाय तो बताए। मैंने कहा कि भाई इसका नंबर प्लेट खोल दो, फिलहाल तो यही उपाय है, नंबर प्लेट खोल दो, इससे पहचान में रहेगी कौन गाड़ी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। कल की बात कल करेंगे। बाय।